हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है कि हमने सिद्ध करना है कि कोई दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। तो संख्याओं के बारे में आप बेटे भली भांति परिचित हैं, नाइन्थ क्लास में आप डिटेल में इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इन संख्याओं को लेकर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए बेटे हम अभी अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसके विपरीत मान लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपने प्रूव करना है। हम इसका उल्टा मान लेते हैं कि मान लीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मींस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। और इसी से फिर हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये अपरिमेय संख्या ही सिद्ध हो जाएगी। तो आपने वही लिखा बेटा कि स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लेट स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो वही हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। पी बाय क्यू मीन्स हमने इसको अंश और हर के रूप में लिख दिया है। यहाँ हम एक कंडीशन लगाते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है बेटे कि क्यू जीरो नहीं हो सकता? इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप q की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो p बाय जीरो इज अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित हो जाता है। p बाय जीरो इज अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित है, तो ये परिमेय संख्या नहीं रहा। क्लियर? तो इसीलिए q को हम लेते हैं कि q जीरो के बराबर नहीं है। जब भी आप किसी रैशनल नंबर को लिखते हैं तो ये कंडीशन आप जरूर लगाते हैं, इसका कारण यही है। क्लियर है बेटा? तो अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और हम लगाते हैं साथ में। पहले कंडीशन तो हमारी यही होती है कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में भी हमने एक कंडीशन लगाई आगे कि p और q में एक के अतिरिक्त कुछ भी एक जैसा नहीं है। p और q को प्राइम फैक्टर्स हैं, इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, यानी कि ये किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। आप फाइनली इनको लेके चले हैं कि p और q लास्ट टर्म जो कैंसिल करने के बाद आपके पास बची है ये वही है, इसको फर्दर आप कैंसिल नहीं कर सकते, फर्दर किसी नंबर से इनको भाग नहीं किया जा सकता। तो इसको हिंदी में हम ऐसे ही लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें एक के अतिरिक्त तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। ठीक है बेटा? तो यहाँ हम लिखेंगे कि वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मीन्स p और q डोंट हैव एनी नंबर विच इज कॉमन टू बोथ। इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब एक जैसा नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों में है, इसके अलावा इनमें कोई और नंबर कॉमन नहीं है। क्लियर? तो अगर इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है तब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर पार गुणा करेंगे, तो r पर गुणा करने पर क्या होगा, जो स्क्वायर रूट 2 है वो q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 q इज इक्वल टू p को आपने 1 से किया तो p। क्लियर? यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बेटा, स्क्वायर रूट 2 हमें नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 जब तक यहाँ रहेगा आगे हमें कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा काम क्या होता है कि स्क्वायर रूट 2 को, यानी कि ये जो वर्गमूल आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस वर्गमूल को हमें खत्म करना है। तो वर्गमूल को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा एक्शन, जो कि क्या है, वर्ग है। बिल्कुल सही, तो हम दोनों तरफ
वर्क करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। ये स्टेप्स बेटा लिखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर एक अच्छा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमने जो यहाँ पर एज्यूम किया है, जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं उनको जरूर लिखें। अगर आप यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको मेंशन करें, ताकि जो क्वेश्चन को देखने वाला है उसको एकदम से क्लियर हो जाए कि यस आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, आपने स्टेप्स को रटा नहीं हुआ है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे बेटा, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट टू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, जो आपके पास ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विथ टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आपके पास क्या बचा है यहाँ से, दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ से हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए, हम यहाँ से चाह रहे हैं कि ये जो क्यू स्क्वायर यहाँ पर है इसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके इसको नोट कर ले बेटा। तो जैसे आपके पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 4, यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, 4 को यही रखते हैं। ये जो 2 है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो ये क्या करेगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है जब भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, क्लियर। तो यहाँ सेम चीज है हमारे पास, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम क्यू स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो पी स्क्वायर है ये यहाँ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये नीचे भाग में चला जाएगा और आपके पास आएगा पी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, जैसे आप यहाँ इक्वेशंस को सॉल्व करते थे सेम वे हमने यहाँ किया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा था कि जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा था और हमने कैंसिल कर दिया था। यहाँ हमें नहीं पता कि पी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम एज्यूम करके चले हैं ऊपर से। तो इसलिए हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो पी है वो भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, देखिए जैसे 4 स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्लियर है कि ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो जाहिर सी बात है नंबर 4 भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यही चीज हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है दैट मींस पी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पी स्क्वायर बेटा 2 से विभाजित हो जाता है, मींस जो पी है नंबर पी वो डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो जो पी है सॉरी अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 दैट मींस जो नंबर पी है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपने शुरू किया जब ये चैप्टर बेटा फर्स्ट चैप्टर जब आपने शुरू किया था तो आपने यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वही हम यूज करेंगे। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या था, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मीन्स आपने क्या किया, नंबर ए को बी से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आपको मिला वो था क्यू, यानी कि b के टेबल में a q पर आता है, क्योंकि हमें नंबर तो नहीं पता ना कि a जो है वो क्या नंबर है और b क्या नंबर है, हमने तो सिर्फ नंबर्स के लिए इनको अज्यूम किया है कि b के टेबल में a q पर जाता है और डिवाइड होने के बाद जो भी आया
जो बचा आपके पास रिमाइंडर वो आपका आर है, जो आपका शेषफल बचा वो आर है, क्योंकि अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपके पास जीरो बचेगा, तो रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है? तो यही आप यहाँ लिखते थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी को हम यूज करेंगे। यहाँ हम कह रहे हैं कि पी स्क्वायर दो से भाग हो जाता है, p भी दो से भाग होगा, तो अगर भाग होता है तो हमने p को दो से भाग कर, ठीक है बेटा। तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो 2 के टेबल में p जो है वो c पर आया और आपके पास जो रिमाइंडर था वो है जीरो। क्यों? क्योंकि आप ऊपर कह रहे हैं कि जो p है वो दो से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो आपके पास क्या आया, दो से भाग करने पर आपके पास जो भागफल है वो c आ गया। तो ऐसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, p इज इक्वल टू 2c प्लस 0, आएगा तो 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को बेटा हमने यूज करना है, इसको हम कहां यूज करेंगे, यहां इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसी इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह आप रखिए ये, क्लियर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ आपके पास आया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो आपके पास कुछ कुछ ऐसी ही इक्वेशन आ गई है जैसी आपके पास ये स्टार्टिंग में थी, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ q स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2 आ गया था आपके पास, तो सेम वे हम यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो यही हम पुट करते हैं अभी, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सेम स्टेटमेंट जो आपने पहले लिखी थी, आप कह रहे थे जैसे वहां आपके पास क्या आया था, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2, आपने वहां कहा था कि जो p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था तो दैट मींस p भी डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ सेम वे क्या है हमारे पास कि जो q स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मींस q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, तो वही स्टेटमेंट आपने यहाँ पर रिपीट कर देनी है। अब यहाँ क्या हुआ आपके पास कि आपने कहा कि q भी 2 से डिवाइड हो जाता है और p भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ऊपर तो आप कह रहे थे कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि p और q में दोनों ही 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो यानी कि आप अपनी ही बात से मुकर रहे हो, आपने पहले कुछ कहा था और अब आप कुछ कह रहे हो, तो इसी चीज को विरोधाभास कहा जाता है कि हमें विरोधाभास हो रहा है कि हम तो कह रहे थे कि ये कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, और जब हम अपना प्रश्न हल करके पहुंचे तो हमारे पास दो ऐसा नंबर आ गया जो क्या कर रहा है, दोनों को, p और q को दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। तो इसी को हमने अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बेटा। तो उसी को हमने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है कि जैसे आपने कहा था कि p स्क्वायर जो था वो 2 से विभाजित हो जाता था, तो उसी प्रकार जो q स्क्वायर है यहाँ पर वो भी 2 से भाग हो जाएगा। अगर q भी 2 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब p भी 2 से भाग हो रहा था, q भी 2 से भाग हो रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दोनों में p और q में दो ऐसा फैक्टर आ गया जो कॉमन है। आप तो कह रहे थे कि p और q ऐसे ही हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुंचे तो आपके पास क्या आया, ये ऐसे आ गया, तो दोनों में क्या है, 2 कॉमन है,
जबकि आप क्या लेके चले थे कि p और q में कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो ये क्यों आया आपके पास ऐसे, क्योंकि आपने जो कल्पना की थी, आप जो एज्यूम करके चले थे कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, वही गलत था। इसीलिए आपको ये जो विरोधाभास हुआ है कि आपने अज्यूम कुछ किया था और कुछ और आया है, ये उसी वजह से आया है। तो इसलिए ये एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है बेटे, क्योंकि अगर इसके स्टेप्स आपको क्लियर नहीं होंगे, आप इसको रट लेते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये आप इसी तरीके से ही, जैसे वर्गमूल तीन चार सॉरी वर्गमूल तीन है, वर्गमूल पाँच है, वर्गमूल ग्यारह है, वर्गमूल सात है, ये सभी इसी तरीके से हल होंगे। तो अगर आप इसको रट लेते हैं तो स्टेप्स में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, आपको नहीं क्लियर होगा कि बाकी अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे से समझा जाए। अगर आपको इसके बाद भी कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं कि कहाँ से आपको इसमें डाउट है। ओके बेटा, थैंक यू।